Hi friends, welcome to my channel Learn What You Understand SY BEF SEM 4. Today we are going to do MA 5th lesson Working Capital Part 8 Question 7 and Illustration number 21. Let's continue with our sum. A factory produces 84,000 units during the year and sells them at the rate rupees 50 per unit. Cost structure of a product is as follows. हम लोग को यहाँ पे क्या किया है? जो भी कॉस्ट स्ट्रक्चर का जो भी अमाउंट था उन्होंने किसमें दिए परसेंटेज में दिया है और बोला है कि एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है 50 राइट सो नॉर्मल बाकी जो भी हम लोग को दिया हुआ है सब सेम है ये वाला जो हमने लास्ट वीडियो में किया था कैश एट एंड बैंक बैलेंस इज टू बी मेंटेन एट 15% ऑफ द वर्किंग कैपिटल ठीक है ये हम लोग को वैसा करना है सो लेट्स कंटिन्यू हम लोग को सिर्फ यहाँ पे वर्किंग कॉस्ट स्ट्रक्चर का पहले देखना है बाकी सब सेम है सो हम लोग को सिर्फ क्या किया है ये लोग का हम लोग को परसेंटेज दिया है और क्या बोला एक का सेलिंग प्राइस कितना है 50 सो यहाँ पे मैं सेल्स लिख देती हूँ 50 ओके अब मेरे को क्या करने का है यहाँ पे आप देख सकते हो 55 मतलब अगर मैं 50 रुपीज में से 55% उसका क्या है रॉ मटेरियल का कॉस्ट है फिर 18% उसका किसका कॉस्ट है वेजेस का सो हम लोग उधर परसेंटेज को इंटू 50 करेंगे तो 50 इंटू 55% कितना होता है 27.5 सो मैं यहाँ पे लिखूंगी 27.5 यहाँ पे मैं कर सकती हूँ 50 इंटू हर जगह ठीक है सो आपको अपने आप आपका वैल्यू मिल जाएगा 18 से करो आपको 9 मिलेगा यहाँ पे आप करोगे आपको 8.5 मिलेगा टोटल आपका कितना होगा 90% ऑफ 50 इट इज 45 यहाँ पे बचा हुआ 5 रुपए यहाँ पे आपका 50 हो गया सम सॉल्व यहाँ पे आपको WIP आपका निकालना है दैट इज 27.5 फुल यहाँ पे 4.5 और यहाँ पे 4.25 आपका आंसर होता है 36.25 ओके सो यहाँ पे हमारे टोटल यूनिट्स कितना है 84,000 सो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 84,000 इंटू टू बी वैल्यूड रॉ मटेरियल को रॉ मटेरियल प्राइस वैल्यू करते सो इंटू 27.5 कितने मंथ्स के लिए इंटू 1.5 डिवाइड बाय 12 ओके इसका फिर आंसर निकलेगा क्योंकि हम लोग को बोला 1.5 मंथ के लिए था ये WIP का भी सेम करेंगे 84,000 इंटू इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे अभी जो हम लोग ने निकाला आंसर 36.25 तो यहाँ पे 36.25 इंटू कितने मंथ्स के लिए था 15 डेज बोला था इसमें कितना बोला था 15 डेज इन शॉर्ट क्या मंथ्स 0.5 मंथ हाफ अ मंथ इसके लिए इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12 फिनिश गुड्स को हम लोग इस पे वैल्यू करते थे टोटल कॉस्ट पे सो टोटल कॉस्ट हमारा कितना है 45 सो यहाँ पे 45 इंटू 1 मंथ के लिए था डेटर्स के लिए भी सेम 84,000 इंटू हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में क्या बोला है 25% ऑफ परचेज आर इन कैश मतलब ये किसको अफेक्ट करेगा क्रेडिटर्स को अफेक्ट करेगा और डेटर्स से रिलेटेड हम लोग कोई चीज नहीं बोली तो हम लोग डायरेक्टली सेल्स पे वैल्यू करेंगे डेटर्स को तो सेल्स कितना है 50 इंटू 1 डिवाइड बाय 12 ओके क्रेडिटर्स हमारे 2 मंथ्स के लिए एंड सिर्फ 25% कैश पे मतलब हम लोग कितना लेंगे 75% सो यहाँ पे आ जाएगा 84,000 इंटू रॉ मटेरियल प्राइस 27.5 इंटू 2 डिवाइड बाई 12 इंटू 75% ओके वेजेस का कितना होगा 84,000 इंटू 9 इंटू 1 डिवाइड बाई 12 ओवरहेड्स का भी सेम 84,000 इंटू 8.5 इंटू 1 डिवाइड बाई 12 ओके सो आपको आपका टोटल करंट लाइबिलिटी ऐड करके मिल जाएगा हम लोग पहले इसको सब सॉल्व करते हैं ठीक है सो यू कैन से एक्चुअली मेरा कैलकुलेटर खराब हो गया है इसके लिए मैं फोन में कर रही हूँ कैलकुलेशन
So 84,000 into 27.5 into 1.5 divided by 12. कितना होता है आपका 2,88,750. यहाँ पे आ जाएगा 2,88,750. सेम वे WIP का हम लोग करेंगे. यहाँ पे जस्ट मैं नंबर चेंज कर देती हूँ और यहाँ पे हो जाएगा ये 36.25. ओके, सो ये हो गया 1,26,875. ये हो जाएगा फिर कितना है 84,000 इंटू 45 डिवाइड बाई 12, 3,15,000. ओके, यहाँ पे इंटू 50 हो जाएगा ये 84,000 इंटू 50 डिवाइड बाई 12, 3,50,000. 50,000. ओके, क्रेडिटर्स पे आ जाते हम लोग. कितना बोला है 84,000 इंटू 27.5 इंटू 2 डिवाइड बाई 12 इंटू 75%, 288,750. ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा 2,88,750. फिर कितना 84,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 63,000. फिर ओवरहेड्स का कितना हुआ 84,000 इंटू 8.5 डिवाइड बाई 12, 59,500. तो यहाँ पे 59,500. ओके, यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया हो. सो यू कैन सी मैंने असेट के सारे अमाउंट यहाँ पे डाल दिए. मेरे को कितना है टोटल 10,80,625. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 10,80,625. ओके, अब क्रेडिटर्स का टोटल करते 2,88,750 प्लस 63,000 प्लस 59,500, 4,11,250. सो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे टोटल असेट्स करंट असेट से. 10,80,625 माइनस असाइन निकाल देना बस. कितना हो जाएगा नेटवर्किंग कैपिटल हमारा 6,69,375. ओके, अब इसमें से कितना परसेंट हम लोग को कैश का लेने का है, कैश के लिए कितना बोला है 15% ऑफ कैश नेट वर्किंग कैपिटल का. तो इनटू 15% 6,69,375 इनटू 15%, तो कितना होता है 1,406.25. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 669,375 का कितना 15%. एक बार वापस क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लेते हैं वरना क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा. कितना बोला है 15% ऑफ वर्किंग कैपिटल. ठीक है, तो कितना अमाउंट आया हम लोग को 1,406.25. आप लोगे नहीं लोगे तो भी चलेगा. अब ऐड कर दो, ऐड 669,375. कितना होता है 7,69,781.25. ये 25 है, आप कैंसिल भी कर सकते हो, नो नीड टू राइट दैट. अब आप ये देखोगे तो टेक्स्ट बुक में ये आंसर अलग है और अलग क्यों है मैं आपको बताती हूँ. हमने इधर क्या किया, डायरेक्टली 15% लिया. ठीक है, ये चीज भी मैंने आपको समझाने के लिए दिखाने के लिए की. लास्ट वीडियो में भी हम लोग ने ऐसे ही किया, डायरेक्टली 10% चार्ज किया था. पर उस टाइम क्या बोलता है एक्सपेक्टेड टू बी 10%, यहाँ पे बोला मेंटेन्ड एट 15%. मेंटेन्ड एट वी एट यूज किया, तो हम लोगों ने क्या किया, अगर ये मेरा कितना है, ये 15 कैश है तो ये कितना हुआ मेरा 85%. अगर ये मेरा 85% है तो मेरा 15% कितना है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया. हाँ, तो मेरा कितना हो जाएगा 665 डिवाइड बाय 85%. अगर आप करते हो, यहाँ पे मैंने किया
तो मैं कितना आया 1,18,125, इधर मैं लिख देती हूँ, इसको मैं कैंसिल कर देती हूँ, 1,18,125, ओके। अब इसको आप क्या करो, इसको ऐड कर दो, ऐड बाय 669375, कितना होगा 787500, ओके। ये आपको एक्यूरेट अमाउंट मिल गया। ये यहाँ पे हम लोग को सेंटेंस पे ध्यान देना पड़ेगा, ओके, और कुछ नहीं है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद आवर क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।